are watching Star 9 News. मुंबई के कूपर अस्पताल में यह मासूम आज अपनी मां के अंतिम सांस की खबर मिलते ही दुखी हो गई। इस मासूम के सिर से कई साल पहले ही पिता का साया छिन गया और आज गरीबी और कोरोना की महामारी ने मां का आंचल भी इससे छीन लिया। सिद्धि भोसले को अंदाजा भी नहीं हो रहा कि इस दर्द भरे जिंदगी में अब उसका कोई सहारा नहीं रहा। 12 साल की मासूम पिछले एक साल से अपनी माँ के साथ अंधेरी रेलवे स्टेशन पर रह रही थी, लेकिन माँ की अचानक तबीयत खराब होने पर मुंबई पुलिस ने उसे अंधेरी के कूपर अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन कोरोना की कहर ने माँ का साया भी आज उससे छीन लिया। इस मासूम को अब ये समझ में नहीं आ रहा कि कभी वो अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाया करती थी, लेकिन अब उसका फिक्र कौन करेगा। जाते थे पहले, मैं वर्ली गली वड़े में रहती थी तब जाती थी, मगर अभी मेरे मामा ने रूम मिल डाला तो अब भी नहीं। तो मेरे आज अम्मी का अंतिम संस्कार हुआ, तो अंतिम संस्कार मेरे मामा ने किया। मामा भी वो हमारे कोई रिश्तेदार मतलब कोई नहीं है, मामा बीमा कोई नहीं है, सिर्फ मेरी मम्मी पहले काम करती थी वहाँ पर, मैनेजर था तो बेटा। आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ लोगों ने आपकी मदद भी की, कौन लोग थे वो? हनीफ खान थे और बड़े कब्रिस्तान के और ग्रुप वाले भी थे। मेरे अम्मी का अंतिम संस्कार बड़े किया उन लोगों ने। बेटा इससे पहले आप लोग कहाँ रहते थे, आपके पिताजी कहाँ है? मेरे पिताजी तो पहले ही दारू पीते थे, शराब पीते थे, इससे मैं चले गए। सिद्धि की माँ का दुनिया में कोई नहीं था। एक भाई भी लॉकडाउन के एक दिन पहले ही दुनिया त्याग चुका था। मौत से पहले सिद्धि की माँ ने मुंबई पुलिस को बताया था कि उनके एक परिचित हैं जिसे वो अपना भाई मानती है, अगर उसे कुछ हो जाए तो वो बच्ची और उसकी लाश उसके हवाले कर दे ताकि उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। ये लक्ष्मी जो है मेरे सब पास काम करती थी मेरी कंपनी में, तो वहाँ का वर्कर थी। तो कभी कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता था तो मेरे को फ़ोन करती थी, हालांकि मेरा पर्सनल नंबर था जो मेरे एम्प्लॉय लोग मेरे पास काम करते। तो ऐसे ही अचानक से फ़ोन कर दिए तो बोले मेरे को ऐसी ऐसी तकलीफ है, इनका घर वगैरह कुछ भी नहीं था, लोग मेरे को अंधेरी स्टेशन पर मिले, स्टेशन के अपोजिट में मिले डिपो के पास। तो मेरे को फ़ोन किया था कि मेरे को ऐसी ऐसी तकलीफ हो रही, तो मैं इनको पहले प्राइवेट में लेके गया, प्राइवेट में करवाया इनका, तो अगर कुछ फ़र्क नहीं पड़ा तो फिर इनको यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पे लेके आए, यहाँ पे इनको एडमिट किया, एडमिट करने का पूरा दिया, शाम तक इनके साथ में था। और रात को फिर मुझे करीब 3:30-4 बजे मेरे को फ़ोन आया पुलिस चौकी से कि इनका इंतकाल हो गया। तो उसके बाद मैं फौरन यहाँ पे आया, उसके बाद से मैं इधर ही हूँ। फिर यहाँ पे मेरे को बड़ा कब्रस्तान की मदद मिली हॉस्पिटल से, हम लोग कपूर हॉस्पिटल से, हम लोग शमशान भूमि में भी हम लोग को बहुत सारे हेल्प किए चिता को जलाने के लिए, लकड़ी वगैरह के लिए, तो उसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी बहुत सारी मदद करी। और यही चीज़ हमारी इंसानियत के नाते ऐसा हर लोगों को करना चाहिए। बच्ची का ऐसा है कि उनकी माँ की आखिरी ख्वाहिश थी, जब मरने से पहले जब मैं रात को कल खाना खिला रहा था उनको, तो उनकी माँ की अच्छा आखिरी ख्वाहिश थी कि उनकी बेटी कहाँ रहेगी, वो अपनी बेटी के लिए ये तड़प रही थी। फिर मैं उनको बोला अगर आपको कुछ होता है तो उनकी बेटी का जो भी देखभाल है वो मैं करूँगा, जैसे उसकी शादी विधि जो भी है मेरे से जितना होगा मैं करूँगा। उसके बाद बोले उसकी मम्मी ने बोली मेरे को ठीक है चलेगा, ओके बाय, बस इतना ही बात की मेरे से, उसके बाद वो सो गई। पुलिस से लक्ष्मी विजय नेटकी की मौत की खबर मिलते ही हनीफ मुंबई के कूपर अस्पताल पहुंचे, लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रहा कि वो अकेले अंतिम संस्कार कैसे करेंगे। तब अस्पताल के लोगों ने उन्हें बताया कि मरीन लाइंस बड़ा कब्रिस्तान की टीम 24 घंटे लोगों की मदद के लिए तैयार है, जिसके बाद हनीफ खान कब्रिस्तान की टीम से मिले और अंतिम क्रिया को अंजाम दिया गया। सर हम लोग मरीन लाइन बड़ा कब्रिस्तान से, शुएब खतीब साहब और इकबाल मामदानी जी की टीम है। सर हमको कूपर हॉस्पिटल में, हम काफ़ी दिनों से ये टीम जो है इकबाल मामदानी साहब और शुएब खतीब साहब की टीम जो काम कर रही है, तो सर एक हम लोग कोविड बॉडीज़ का जो उनको रिलीज़ करा रहा है, फ्री कॉस्ट एम्बुलेंस प्रोवाइड करते हैं सर। तो सर हम लोग ये जैसे बॉडी रिलीज़ करा रहे थे उसके उसी बीच में एक दिन एक मतलब बच्ची मिली थी,
और उसकी माँ एडमिट थी, उस बच्ची ने बताया मेरी माँ एडमिट है, बहुत सीरियस है। तो हमने बोला था कि मतलब आपको कुछ भी ज़रूरत होगी तो हमको कॉल करना, कुछ भी रहेगा। तो बच्ची की माँ का जब ध्यान दो गया तो उन्होंने बताया, हॉस्पिटल वालों ने बताया और बच्ची ने ही बताया। तो हमने उस बच्ची की माँ की जो डेड बॉडी थी, लक्ष्मी करके है उनका नाम, उनको हमने रिलीज़ कराया और बड़ा कब्रस्तान की एम्बुलेंस में लेके पोशोरा शमशान पहुँचे। और वहाँ जब देखा वो बच्ची के साथ कोई था नहीं, खाली एक उनके जान पे दूर की जान पहचान वाले थे हनीफ भाई करके। तो उनको लेके हमने उस बच्ची को, उस बच्ची की माँ का अंतिम संस्कार करवाया। और जो हिंदू धर्म के रीति रिवाज से जो होता है, अग्नि घी लगती है और जो भी चीज़ें लगती है वो सब हमने शमशान वालों से लिए और उसकी माँ का अंतिम संस्कार करवाया। मुल्क जहाँ इस महामारी की चपेट में है और कुछ लोग नफरत की राजनीति करने में जुटे हैं, तो वहीं देश का एक वर्ग इस राजनीति से दूर इंसानियत को ही अपना धर्म मानते हुए इंसानियत की मिसाल कायम कर रहा है।